अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं जुनेद हलीम। पहले एक नज़र दुनिया हेडलाइंस पर। कोहटा के करीब चकवाल जाने वाली बारातियों की बस खाई में गिर गई, 24 अफराद जां बहक, ड्राइवर गिरफ्तार, इमदादी कार्रवाइयां जारी। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरअली में दो ड्रोन हमले, घर और गाड़ी पर 4 मिसाइल फायर, 15 अफराद हलाक। कराची में टारगेट किलर्स बेलगाम, नॉर्थ नाजिमाबाद में फायरिंग से शहरी जां बहक, हलाकतों की तादाद 4 हो गई। कौमी असेंबली में आज बजट पर बहस का आगाज होगा, अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज जारी रखने का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास, मीनारे पाकिस्तान खैमा ऑफिस में शुरू, तवानाई बहरान समेत दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। एप्का आज से मुल्क भर में एक हफ्ते के लिए सरकारी दफातर की तालाबंदी करेगी, मुल्तान में वज़ीर आज़म हाउस के घेराव का ऐलान। नाइजीरिया में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, हुकाम ने 147 अफराद हलाक होने की तस्दीक कर दी, 3 रोजा सोग का ऐलान। पाकिस्तान ने दूसरे टी20 में श्रीलंका को शिकस्त दे दी, सीरीज 1-1 से बराबर, बेहतरीन कारकर्दगी पर शाहिद आफरीदी को 5 अवार्ड्स मिले। और अमरीकी खिलाई शटल इंटरप्राइज को न्यूयॉर्क के खिलाई म्यूजियम में रख दिया जाएगा, शटल दरिया के रास्ते शहर के करीब पहुंच गई। यार उसकी सैरिश की हेडलाइन थी ये। दुनिया न्यूज़ से फिलहाल इतना ही, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट दुनिया न्यूज़.tv।